हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही बेस्ट टॉपिक होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग लेवल होता है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर HC। HC मीन्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाँ दादा, बात हम लोग करते हैं कि दरअसल हाइड्रोकार्बन है क्या, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी स्टार्टिंग करते हैं कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। आखिर हाइड्रोकार्बन कौन सी बला है, क्या है हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन में साफ साफ दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है ना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स सबको पता है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहां भी होता है जहां पर हाइड्रोकार्बन हो, मतलब जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर बेटा? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बात फंसे कि कई कंपाउंड तो ऐसे होते हैं जिसमें Cl भी लगा होता है, किसी में Br लगा होता है, किसी में आयोडीन लगा होता है, ऑक्सीजन भी लगा होता है। तो बात ये है कि बेटा हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक यूनिट, बेसिक चीज बात कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। वे सभी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, वे सब कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए, या फिर पहले आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, उसका डिफिनेशन लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर बेटा? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बेटा किसी कोई दिक्कत, समझ आ रहा बेटा? किसी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल दिमाग पर बिना जोर दिए, बिल्कुल दिमाग पर टेंशन लेना ही नहीं है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। कोई भी आदमी कितना भी आपसे कहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन होता है। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन के मिलकर बने होते हैं, जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाता है। डेट्स क्लियर? चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कई एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर हाइड्रोकार्बन मिलता है, जहां सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है। सबसे स्मॉलेस्ट आपका हाइड्रोकार्बन है सबसे प्यारा अपना मेथेन। लगता बहुत छोटा है मेथेन, लेकिन यही अपना रूप चेंज करता चला जाता है, इसमें कई कार्बन आकर अटैच होते चले जाते हैं, और फिर क्या से क्या हो गया आपको देखते देखते ये पता ही होगा आपको। चलिए बेटा फर्स्ट हम बात करते हैं मेथेन। मेथेन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1 कार्बन है एंड 4 मॉलिक्यूल 4 एलिमेंट हाइड्रोजन। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं मेथेन। मेथेन को हम लोग कह सकते हैं फायर डैम्प गैस। बहुत सुना होगा आपने बेटा कोयले के खान में आग लग गई,
बहुत सुना होगा। तो कोयले खान में आग लगने का मतलब होता है कि वहां पर कहीं पर हाइड्रोजन मिले सॉरी मेथेन प्रेजेंट है। मेथेन खुदाई करते करते बाहर निकली, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बंद करने लगती है, तो आपके जितने भी वहां पर कर्मचारी होते हैं या फिर जहां पर कोयला खान होता है, जहां पर कोयला होता है वहां पर बर्निंग चालू हो जाती है, हम लोग कह देते हैं कोयले में आग लग गई। तो इसका मेन रीजन क्या है? मेथेन। और मेथेन को ही हम लोग कहते हैं फायर डैम गैस, क्योंकि एक इसका एक रीजन होता है, डैम में आग लगने का एक रीजन होता है, कोयले खान में आग लगने का एक रीजन होता है, किसके कारण? हाइड्रोकार्बन में सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन मेथेन का। सेकेंड इसी को हम लोग कहते हैं मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स मतलब मान लीजिए जहां दलदली एरिया ज्यादा होता है, मार्सी एरिया ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। आजकल एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब धान में पानी लोग डालते हैं, आज खेती चल रही धान की मालूम ही सबको, जब से लोग पानी डालते हैं तो इसमें कौन सी गैस ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होती है? वो होती है आपकी मेथेन। तभी मेथेन को हम लोग कहते हैं मार्स गैस। जहां पर दलदली एरिया होती है, जहां बहुत ज्यादा दलदल होता है, वहां पर एक गैस पाई जाती है मेथेन। कई हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, ये नहीं कह रहे हम कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन मेथेन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें हम लोग कहते हैं मार्स गैस। कोई दिक्कत बेटा? अब मेथेन को ही हम लोग कन्वर्ट करते चले जाएंगे तो आपको कई कंपाउंड मिलते चले जाएंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड बेटा, इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एथेन। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है एथेन। और कार्बन लग जाएगा प्रोपेन, और लग जाएगा ब्यूटेन, और लग जाएगा पेंटेन। अब बहुत से बच्चों में दिक्कत हो रही होगी, हम क्या बोल रहे हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा जब हम लोग पढ़ाएंगे आईयूपीएसी। जब आईयूपीएसी चलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें आपका कौन मेथेन है, कौन एथेन है, क्या चेंजेस हो गया, किस प्रकार का चेंजेस हो गया कि आपका ये प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन बनता चला जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, छोटा सा एक टॉपिक लिया गया हाइड्रोकार्बन। अब हाँ, तो बेटा हम लोगों ने अभी देखा था कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है बेटा? मेथेन। क्लियर बेटा? अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर जो आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट में। हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं टू का पार्ट में। एक पार्ट होता है आपका एलिफैटिक और दूसरा होता है साइक्लिक। एलिफैटिक एंड साइक्लिक। एलिफैटिक में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग टू पार्ट में। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हम लोग बाद में बात करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं नाम से भी लग रहा है सैचुरेटेड मतलब संतृप्तता, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर आपको भूख लगी हो, बहुत अच्छी भूख लगी हो, चार रोटी की भूख है आपके पास, आपको दो रोटी मिले तो क्या कहोगे आप लोग? क्या कहेंगे? असंतृप्त हैं, अनसैचुरेटेड हैं। और अगर आपको जितनी रोटी की आवश्यकता है आप उतनी ही खाते हैं, आप कहते वाह भाई पेट भर गया, मजा आ गई, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसंतृप्त मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका यही कंडीशन है। कार्बन को जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, अगर उसके पास उतने हाइड्रोजन है तो मतलब वो संतृप्त है, वो सैचुरेटेड है। और अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी हो जाए, जितने हाइड्रोजन उसको चाहिए था, उसको बॉन्ड बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए, समझेगा बेटा, जिसको बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? फोर बॉन्ड होते हैं, और फोर बॉन्ड मतलब उसके फोर हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन की टेंडेंसी, कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो तो या तो अपने से अपने आप को सैचुरेटेड करेगा या फिर हाइड्रोजन से।
अगर उसके पास ना तो सैचुरेटेड है और ना ही उसके पास हाइड्रोजन है, ना तो कार्बन मिल रहा है ना हाइड्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अनसैचुरेटेड हो गया। देखिए बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन जितने भी कार्बन आपको दिखाई देंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, पांच कार्बन, दस कार्बन, जितने भी कार्बन दिखाई देंगे सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। बात समझ आई बेटा? जितने भी कार्बन होते हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होते हैं, उसमें कहीं पर डबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सिंगल बॉन्ड मतलब सपोज करिए आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन लिया मैंने। एथेन में जब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, एथेन का जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका इस प्रकार से मिलेगा। और इस टाइप में आपका कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच है वो। तो इसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन ले लिया, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लिया, प्रोपेन भी आपका सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, ये आपका बन गया प्रोपेन। ये सब कार्बन आपके सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हैं, तो मतलब ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे एल्कीन और एक पढ़ेंगे एल्काइन। एल्कीन एल्काइन बताया जाएगा बाद में क्या होगा, यहां पर डिवाइड किया गया है एल्कीन और लास्ट एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड दिखाई देंगे और एल्काइन में दिखाई देगा आपको ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में दिखाई देगा आपको ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ आई बेटा? फिर ध्यान दीजिए, आपका हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एंड साइक्लिक, या इसको कह सकते हैं एसाइक्लिक, ऐसे कह सकते हैं एसाइक्लिक, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक में एलिफैटिक भी कहते हैं, जब आपका कार्बन कार्बन सिंगल चेन में लगा हो, वो चाहे जिस ग्रुप में लगा हो, अगर वो सिंगल चेन में ही है तो वो एलिफैटिक कहलाता है। लास्ट और स्टार्ट वाला कार्बन एक दूसरे से नहीं अटैच हुआ होगा, किसी प्रकार का सर्किल नहीं फॉर्म करेगा, किसी प्रकार का कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, तो वो हो जाता है आपका एलिफैटिक, या फिर हम लोग कह सकते हैं एसाइक्लिक। तो इसमें आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और अगर जो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। समझ आया बेटा? जब सभी कार्बन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड अटैच होता है, तो वहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। और अगर आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। बात समझ आ रही है? तो इसको आप लोग पॉज करिए मोबाइल को और तुरंत आप लोग इसको नोट।